तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो मार्च में आपका पेपर है दोस्तों, तैयारी कर लो। अगर आप भी 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप सोचते हैं कि आप 100 नंबर लेकर आए फिजिक्स के पेपर में, दोस्तों पेपर तो आपका 70 नंबर का होगा लेकिन 28-29 नंबर स्कूल से मिलेंगे, कुल मिलाकर आपका टोटल 100 नंबर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी क्लास 12 में फिजिक्स में 100 नंबर लेकर आए तो सिर्फ 2 महीने ऐसे तैयारी कर लो, 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों कोई हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं, जितने भी चीजें आपको बताएंगे सब जेन्युइन होंगी और किसी भी मॉडल पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, इसमें जो भी टॉपिक्स आपको बताएंगे सब उसमें आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है दोस्तों, अगर ये 3 काम कर लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, वीडियो देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये 3 काम अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100 नंबर पक्का होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों 100 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। आपको करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए उन्हें फर्राटे तरीके से एकदम तैयार कर लेना है, कहीं से भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आपको उसकी थ्योरी पढ़नी, जितने भी टॉपिक तैयार करो तो उसके थ्योरी न्यूमेरिकल के जो एग्जाम्पल होते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं और डेरिवेशन, ये तीनों चीजें उस टॉपिक के तैयार करो। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप कूलाम का नियम तैयार करें तो कूलाम के नियम के लिए पहले थ्योरी तैयार करो, फिर उसके अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसको तैयार करो, फिर डेरिवेशन। ये 3 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो तो फिजिक्स का धुरंधर बनने से आपको भी कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, सबसे पहला एक काम उन्हें करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की इस वीडियो में उनको बताया जाएगा, सबसे पहले उनकी थ्योरी पढ़ाना है, फिर एक एक करके उनके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पढ़ लेंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये 3 काम जो भी बच्चा करेगा 100 में 100 जरूर लेकर आएगा। दोस्तों चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो एक दिन नहीं आई उसके लिए सॉरी बोलता हूं दोस्तों, अब वीडियो डेली आएगी, आप लोग देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोलाम का नियम, कोलंबस ला, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 और 3 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसे आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, इसे आपको तैयार करके जरूर जाना है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा गॉस की प्रमेय। उसके बाद देखिए वैद्युत विद्युत आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन सभी को आपको देखना है। उसके बाद देखिए वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा है। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसके बाद विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए किरचाप का नियम, किरचाप ला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, उसके बाद व्हीट स्टोन सेतु, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट्स ला, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को एक को भी आपको नहीं छोड़ना है।
उसके बाद देखिए एम्पियर का परिपथ ये नहीं है, एम्पियर सर्कुलर सर्कुशल लॉ, ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरण, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भंवर धाराएं यानी एडी करंट्स, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंस्पायरेशन, ठीक है, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोक कुंडली हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम से हट गया हो, शायद देख लेना, उसके बाद चौक कुंडली को भी आपको तैयार कर लेना। वाट हीन धारा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटलेस करंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आपको तैयार करके जाना। और देखिए क्रांति कोण, सर्टिकल एंगल, लेंस की क्षमता, लेंस पावर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द आई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेविया शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइडनेस, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तिरंगाग्र, वेब फ्रंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज के इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रोगली वेव लेंथ एक्सप्रेशन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय संलयन, समस्थानिक यौम संभारिक, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, समस्थानिक यौम संभारिक, आइसोटोप्स एंड एलिस, ठीक है, इतना आपको तैयार करके जाना है जो आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आगे देखिए उसके बाद है ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड, फोटोडायोड, ये सब आपको तैयार कर लेना है जो आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज के इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन बताया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, इन सभी को आप टिक लगा लीजिए और इन्हें आपको डिटेल्स में पढ़ना है। अगर आप इन्हें डिटेल्स में पढ़ लेते हो तो 100 में से 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आज की इस वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।